subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. जाने तमन्ना तुम्हारी जुदाई से अब दुहाई इम्तिहान खत्म होते फौरन लौट आना तुमने लिखा था करते क्या हो तुम मेरी जान दिन में तो डैम बनवाता हूं और रातों को उन्हीं हसीन लम्हों में खो जाता हूं जो तुम्हारे साथ बिताए हैं मिस्टर ये लेडीज कंपार्टमेंट है जी मुझे मालूम है स्टेशन लेट पहुंचा गाड़ी चल चुकी थी बड़ी मुश्किल से इस कंपार्टमेंट में सवार हो सका उधर सेकंड क्लास है और बीच में दीवार है जा नहीं सकता अगला स्टेशन आते उतर जाऊंगा बाहर रुसवाई और बदनामी है तेरी एक आवाज कलंक का टीका बनकर तेरे खानदान के मुंह पर तालिक लगा देगी ये दुनिया तुझ पर थूकेगी माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे विजय जीते जी मर जाएगा वो पूनम ने स्टेशन में बात क्यों की बीमार है बीमार है कोई डॉक्टर को बताया हाँ अंकल तो फोन कर रहे थे लेकिन उसने मना कर दिया क्यों कह रही थी कि थोड़ी सी थकावट है आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी इसीलिए मैं यहाँ चली अच्छा सुनो कल तुम उसे मेरे यहाँ लाओगी ना तबीयत ठीक होने पर बात है नीलम क्या है कि मैं भैया परसों मेरी सालगिरह है सालगिरह में आप भी होंगे वो भी होंगी जी भर के गिले शिकवे दूर कर लेना खूब गले मिलकर हाँ हाँ पूनम सालगिरह मुबारक बड़ी अच्छी लग रही है इधर अरे पार्टी तो हॉल में है तबीयत कैसी है मुझे यहाँ का ले जा रही है तू आ तो सही यहाँ एक मिनट बैठ जा मैं अभी आती हेलो पूनम कैसी हो ठीक हूँ मेरी तरफ नहीं देखोगी क्या ऐसी कोई बात नहीं पूर्णिमा ये तुम्हारी आंखों में वीरानी कैसे पूनम मेरा दिल परेशान हो रहा है ये दिल बहुत बुरी चीज है विजय इस पर भरोसा मत करो ये क्या हुआ तुम्हें कैसे बहके बहके बातें कर रही हो क्या बात है खुशी की महफिल से इतनी जल्दी क्यों लौट आई खुशी वक्त से पहले ही खत्म हो गई मम्मी क्यों खैरियत तो है ना तुम्हारी आंखों में आंसू वो मेरा दिल भर आया मम्मी मेरी कॉलेज की एक सहेली ने खुदकुशी कर ली है ओ जो चले गए उन्हें भूल जाओ बेटी जिंदगी के मोड़ में जीवन साथी बिछड़ने के लिए ही मिलते हैं अब सो जाओ बेहोश क्यों गई थी डॉक्टर ऐसी हालत में कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाता है एहतियात कीजिए ये माँ बनने वाली है माँ मैं बेकसूर हूँ माँ चेहरे पर कालक भी लगाई है और मुंह भी छुपाना चाहती हो इस कालक पर अगर हम आंसू भी बहाए तो ये हमारे ही चेहरे पर दाग छोड़ जाएगी ये कालक मैंने नहीं लगाई है माँ ये कालक मैंने नहीं लगाई है तुम्हारे आंसू न गुजरे हुए वक्त को वापस ला सकते हैं न आने वाले वक्त को रोक सकते हैं न तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल सकते हैं ये गुनाह मैंने नहीं किया है माँ ये गुनाह मैंने नहीं किया है आपके चरणों की सौगंध मैं बेकसूर हूँ माँ भगवान के लिए आप मेरी बात भी सुन लीजिए तुम्हारी बात तो हम सुन भी लेंगे अगर दुनिया वालों ने सुन लिया तो हम क्या करेंगे ये आंसू भी इसी दुनिया ने दिए हैं माँ किस्मत का खेल था सब तकदीर का तमाशा कौन है वो हरामजादा जिसने हमें जीते जी मार दिया
उस शैतान को मैं भी नहीं जानती डैडी। बच्चा है, इसके बाये गाल पर सुंदर सा काला तिल है, ये देखो। वक्त हर गम को मिटा देता है और जिंदगी का कारवां बढ़ता ही रहता है। तुम्हें सब कुछ भूलकर फिर से नई जिंदगी शुरू करनी है। मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती हूँ। नहीं माँ, नहीं, मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहती। दुनिया ने तुम्हें क्या दिया? बदनामी, रुसवाई, उस पर मैंने पर्दा डाल दिया है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी और खानदान की इज्जत के लिए। तकदीर का तमाशा है पूनम, शादी आज हुई लेकिन बाप मैं 3 महीने पहले ही बन गया। अपने बच्चे को मैंने डैम पर रखा हुआ था, सिर्फ एक आया पाल रही थी, उसके अलावा इस बात का किसी को कुछ नहीं मालूम। मैं मुन्ने को लेकर आता हूँ, तुम भी अपने बेटे को देख लो। ये रही तुम्हारी मम्मी। पूनम देखो इसके चेहरे पर कितना खूबसूरत निशान है। अरे ये क्या है? औरत तो ममता का सागर होती है पूनम, तुम मां कहने से बुरा मान गई? ये तो मेरे लिए बहुत भाग्यवान है, इसके आते ही तुम मुझे मिल गई। ये आपको कहां से मिला? बरसात की तूफानी रात थी, मैं मीटिंग अटेंड करके रामगढ़ से लौट रहा था कि मुझे जितने भी गांव थे मैंने हर जगह जाकर लोगों से पूछा, लेकिन इससे कोई पहचानता ही नहीं था। फिर पुलिस की इजाजत से मैं इसे घर ले आया। पूनम, हमारे अलावा इसका कोई भी नहीं, और मैं चाहूंगा कि दुनिया इसे हमारा बेटा समझे और इसे असलियत का कभी पता ना चले। कभी नहीं चलेगा, भगवान की मर्जी ना होती तो वो इसे क्यों वापस भेजता। तुम खामोश रहोगे, मैं चुप रहूंगी। ठीक है मम्मी, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। भैया हमेशा मेरा हक मारने के चक्कर में रहते हैं। देखा पापा, चलता है चलता है। देखो बेटा, तुम दोनों का इस तरह लड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? इन्हें समझाइए ना, डैडी ने हमेशा इन्हें दूसरों का हक मारना सिखाया है, दुनिया ने नहीं। झगड़ा भाई से और गुस्सा बाप पर। अरे बेटे, कल तुझे नई मोटरसाइकिल मिल जाएगी ना। सुन छोटे, वो किशोर कुमार का गाना याद है? जलने वाले जला करे, किस्मत हमारे साथ है। जॉन आया मैम साहब। जॉन का जान हाजिर है मीना मैम साहब। ये फूल किधर से आए? वही फ्लावर शॉप से आया होगा। पर लाया कौन है? वो आपका फ्रेंड है ना, आपका क्लास फेलो, वो दरीज खड़ेला है। आए हेलो। बहुत ही फाइन बॉय है। बुलाना मांगता? बिल्कुल नहीं। हेलो यंग लेडी। नमस्ते अंकल, आप यहाँ कैसे? तुम भी अपने बाप की तरह वही सवाल पूछ रही हो। भाई तुम्हारे बाप जज साहब के साथ एक जरूरी काम था, इधर आया तो मालूम पड़ा कि वो तुम्हारी मम्मी को लेने एयरपोर्ट गए। मम्मी आ रही हैं? अरे मम्मी तो आ रही हैं, लेकिन मेरा सारा मामला गड़बड़ हो गया। एनीवे, इन बरखुरदार की तारीफ। ये अमन है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। लकी फेलो। विजय, यहाँ आते ही मेरी बेटी मुसीबत में फंस गई। क्या हुआ? देखिए, हमारा काम है इंसाफ करना और बदमाशों को यह पसंद नहीं। चंद गुंडों ने मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन एक लड़के ने अकेले ही उन 5 गुंडों को मारकर भगा दिया। मैंने मीना को कितनी बार कहा कि कौन है वो, उसे घर लिया, कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करें। अरे शुक्रिया क्या भाई, उसका एहसान है हम पर। अंकल मैं चलता हूँ, मुझे स्टडीज करनी है। बेटे एक दिन अपने भाई के साथ घर आना जरूर है। जी जरूर, डेफिनेटली। अच्छा नमस्ते। पूनम कुछ चाय भाई? हाँ हाँ क्यों नहीं। गोविंद। तो यही है वो जज साहब, मीना के बाप। कि
किसी ना किसी तरह इस बुलबुल को पटाना ही होगा। आज तक तो कोई बाजी तूने हारी नहीं। मम्मा वो बहुत अच्छी लड़की है। किसकी बात कर रहा है तू? नीलू आंटी की लड़की मीना, वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मालूम है मालूम है मालूम है, लेकिन ये तो पता नहीं ना कि उसकी मुझसे बहुत अच्छी जान पहचान है। अच्छा, तो तूने उस दिन नीलू और जीजा जी को क्यों नहीं बताया? मुझे शर्म आ रही थी। शर्म क्यों? ओहो मम्मा, आप सारी बातें मैं अपने मुंह से कहूं, आप कुछ नहीं समझ सकती हैं। उसे अपनी बहू बनाओगी ना मां? सोचूंगी सोचूंगी सोचूंगी। तुम सोचती रह जाओगी और अंकल आंटी उसकी शादी किसी और के साथ कर देंगे, और अगर वो मेरी ना हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे तू तो लड़कियों की तरह रोने लगा। मैं आज ही तेरे डैडी से बात करती हूँ। थैंक यू मामा। भैया मेरी बेटी को नजर लगाओगे क्या? अरे नजर तो लग गई उसकी। किसकी? मेरे बड़े बेटे राजन की। जी मैं समझा नहीं। अरे भाई मैं समझाता हूँ, आशिक का बेटा है, इश्क तो करेगा ही। अरे मीना के लिए दीवाना हो गया है वो, जो बात हमें सोचनी चाहिए थी उसने शुरू कर दी। ऐसे करो मीना रानी हमें दे दो, राजन बेटे को तुम ले लो। हमें ये रिश्ता दिलो जान से मंजूर है। एग्जैक्टली मंजूर मंजूर। भैया तुमने मुझे चाबुक से मारा? स्टूपिड पपी, मीरा तुम्हारी होने वाली भाभी है। क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है, आज हमारी सगाई पक्की हो चुकी है। भाड़ में जाए तुम्हारी सगाई। हम दोनों के बीच जो दीवार बनेगा मैं उसे ठोकर मार के उड़ा दूंगा। मीना मेरी है और मेरी ही रहेगी। बदतमीज, बकवास की तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। भैया बड़े हो तो बड़ा बनना सीखो, कहीं ऐसे ना हो सबका पैमाना छलक पड़े और मैं वो कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। मीना को तुम क्या, भगवान भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। फिर वही बकवास। आखिरी बार कह रहा हूँ, होश में आ जाओ वरना वो बंधन टूट जाएगा जिसमें हम बंधे हुए हैं। इज्जत इसी में है कि हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं, बच्चे तू हटेगा मेरे और मीना के बीच से। तूने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया? पहल उन्होंने की थी पापा। उसने क्या किया वो नहीं पूछ रहा हूं, तूने उसके साथ क्या किया वो बता। मैंने तुझे छड़ी मारी, निकाल अपना जूता और मार मेरे सर पर। मार 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 मुझे, मार मारता क्यों नहीं, मार मुझे, मार मार तू मुझे, मार। बस कीजिए बस कीजिए, जान से मार डालेंगे क्या? मारने दो मम्मी, मारिए पापा, जान से मार डालिए। जिसकी किस्मत में बाप का प्यार ना लिखा हो उसके लिए जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। तू मुझ पर इल्जाम लगाता है, क्या ना इंसाफी किया मैंने तेरे साथ? कौन सा इंसाफ किया है आपने? मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी जज्बात है। हमेशा आपकी खुशी के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशों को कुचला है। हर वो चीज जो मेरी थी, जो मुझे पसंद थी, आपने मुझसे छीन कर इन्हें दी। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी इनके हवाले नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी कि मीना मुझसे प्यार करती है और मुझे चाहती है, इन्होंने आपका सहारा लेकर उसे मुझे छीनना चाहा। अरे गैरत नहीं आई इन्हें अपने छोटे भाई की मोहब्बत को अपना बनाते हुए? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बेटी की मंगनी विजय साहब के बेटे अमन के साथ ऐलान करता हूं। मुबारक हो मुबारक हो। मुझे माफ कर दो भैया। अरे पगले, जब गले लग गए सारा गिला जाता रहा, पानी से खून ज्यादा गाढ़ा होता है भैया। मेरे भाई। हेलो मीना,
मैं अमन बोल रहा हूँ। अमन, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? खांसी आ रही है, बुखार भी है। बुखार है? दिल घबरा रहा है। मीना, आओ ना। मेरी गाड़ी खराब है अमन, कैसे आऊं? तो कोई बात नहीं, टैक्सी लेके आ जाओ। टैक्सी से? आओ ना मीना। अच्छा बाबा, आती हूँ, बस। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं रखूंगा मीना कि तुम किसी और की हो सको। आई प्रॉमिस यू। अमन, इस हरकत का क्या मतलब है? वही जो तुम समझते हुए समझना नहीं चाहती। अपनी हद में रहो मिस्टर राजन, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की मंगेतर और इस घर की होने वाली बहू हूँ। अच्छा, तुम्हारा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ये सपना नहीं, हकीकत है। होश में रहो और दरवाजा खोलो, मेरी एक आवाज तुम्हारी असलियत का भंडा फोड़ देगी। चलाक, आज यहाँ इस घर में कोई भी नहीं, और तुम्हें यहाँ बुलाने वाला अमन नहीं था, राजन था, मेरी जान राजन था। उठ, मैं अपना सारा अगला पिछला हिसाब तुमसे पूरा कर दूंगा। यो ब्लडी पेन। बचाओ। नहीं नहीं, पूर्णिमा दूसरी बार नहीं लुट सकती। नहीं, जब आप मौके वारदात पर गईं, तो आपने क्या देखा? मैं वहां पहले से मौजूद थी। मुझे राजन ने अमन के नाम से झूठा फोन करके वहां बुलाया, और वो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहा। मैंने उसे गहरा दिलाई कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की अमानत हूँ, इस घर की होने वाली बहू हूँ, मगर वो इंसान से हैवान बन चुका था। उसने मुझे बर्बाद करना चाहा। वो तो मेरे नसीब अच्छे थे कि इतने में पूर्णिमा जी आ गई, और उन्होंने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपने हाथों से अपने बेटे राजन को गोली मार दी। ये झूठ है योर ऑनर, ये मेरी मंगेतर है। इनकी आंखों से बहते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मुझे बेहद प्यार करती है। मुझे बचाने के लिए इन्होंने ये कहानी गढ़ी है। मेरी माँ का इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। राजन के मरने के बाद ही मेरी माँ कमरे में आई थी। ये गलत है। ये बिल्कुल सच है। अपनी मंगेतर यानी इनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने बड़े भाई राजन को गोली मारी है। तू वही आदमी है जिसने आज से 23 साल पहले मुझे ट्रेन में बर्बाद किया था। तू वही भेड़िया है जो मेरे दामन पर एक गंदा धब्बा डालकर भाग गया था। ये क्या बकवास है? ये औरत कातिल है, खूनी है मी लॉर्ड, इसी ने राजन का खून किया है। हाँ हाँ, ये खून मैंने किया है। मेरे माथे पर कलंक का टीका जो ये शैतान छोड़ गया था, उसने पूर्णिमा को दोबारा लूटना चाहा, और मैंने उसे गोली मार दी। ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, शुरू से आखिर तक झूठ। औरत के त्रिया चरित्र को आज तक कोई नहीं जान सका माय लॉर्ड। तुझे भी किसी औरत ने ही जन्म दिया है, किसी औरत की छाती का दूध ही तेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है।